टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो है मटन पुलाव की रेसिपी। ईद उल अज़हा की आमद है तो मैंने सोचा इसके हवाले से मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर कर लूँ। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ये प्रेशर कुकर में एक 1 kg मटन ले लिया है, आप देख सकते होंगे, और इसका स्टॉक बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास 3 कप्स मैंने राइस लिए हैं तो मुझे 5 कप्स इसके लिए स्टॉक चाहिए होगा। चलिए मैंने इस कप को यूज़ करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 6 कप्स जो है मैंने पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 tablespoon फुल ऑफ गार्लिक पेस्ट एंड 1 tablespoon फुल ऑफ जिंजर पेस्ट। वन टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सॉल्ट। और 1 teaspoon मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 minutes के लिए, और चिकन सॉरी मटन स्टॉक रेडी हो जाएगा और फिर हम इस राइस कुक करेंगे। तो अभी हमारा ये स्टेप हुआ है और नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ फिर, ठीक है। मैं इसको कवर कर दूँगी। मैं पहले से भी कुक करके रख सकती थी मटन स्टॉक, लेकिन मैं आपको इसका प्रोसीजर दिखाना चाह रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मटन स्टॉक हैज़ गॉट प्रिपेयर। ये देखें कितनी अच्छी यखनी तैयार हुई है और मीट भी टेंडर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और अपने राइस की प्रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक सॉस पैन में ऑयल डालूंगी। अब ऑयल हीट अप हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने 1 large size अनियन है, उसको मैंने चॉप किया हुआ है, मैं वो ऐड करूंगी। प्याज को डार्क ब्राउन होने तक कुक करेंगे। चलिए देखें प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। ताकि इसका प्रॉपर कलर निकल आए। हमारे प्याज का कलर निकल चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये टमाटर हैं चॉप किए हुए 2 से 3 अदद, वो मैं ऐड कर दूंगी। साथ ही मेरे पास ड्राई स्पाइसेस में हैं मैं यूज़ कर रही हूँ सॉल्ट है मेरे पास एक्चुअली 3 teaspoon, रेड चिली पाउडर 2 teaspoon, ब्लैक पेपर पाउडर 3 teaspoon, और ये मेरे पास गरम मसाला है। इसके अंदर मेरे पास हैं बे लीव्स हैं और होल क्यूमन सीड्स हैं, होल कोरिएंडर सीड्स हैं, स्टार एनिस है और लार्ज ब्लैक कार्डमम्स हैं और क्लोव्स हैं और ब्लैक पेपर कॉर्न्स हैं, ये मैं ऐड करूँगी। अब इसके अंदर हम जो मीट हमारा टेंडर हो चुका था मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं, अब मैं वो भी ऐड कर दूंगी ताकि इसकी साथ ही भुनाई हो जाए। डू ट्राई दिस रेसिपी ऑन ईद उल अज़हा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। Give me thumbs up and share my recipe with your family and friends. अब मेरे पास ये ग्रीन चिलीज हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी 4 to 5। आप दरमियान में कट लगा सकते हैं।
और साथ ही 2 टेबलस्पून मैं योगर्ट भी ऐड कर दूंगी। मीट भी अच्छी तरह कुक हो गया सारे मसाले के साथ। अब मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। पहले भी मैं आपको ये टिप बता चुकी हूँ, ये देखें ये ऑयल सेपरेट हो रहा है बाकी मसाले से। इसका मतलब है कि हमारे ये मसाला बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है। अब इसके अंदर हम मीट स्टॉक ऐड करेंगे। ये एक्चुअली 3 कप्स रेडी हुई थी और 2 कप्स मैंने इसके अंदर अब पानी ऐड किया है, क्योंकि हमें टोटल हमारे पास 3 कप्स ऑफ राइस हैं, उसके अंदर 5 कप्स मैं डाल रही हूँ। ठीक है, अब हम ये ऐड कर देंगे। ठीक है, जब तक पानी में बॉईल आ जाए तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये राइस मैंने लिए थे तकरीबन 3 कप्स राइस हैं, और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पानी से, फ्रेश वाटर से, और मैंने इसको सोक किया हुआ था पानी में फॉर अबाउट 30 मिनट्स। इसका आधा घंटा हो चुका है। अब जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब पानी में बॉयल आ रहे हैं, अब इसमें हम राइस ऐड कर देंगे। ठीक है, अब राइस कुक हो रहे हैं। आप इस स्टेज पे चेक कर सकते हैं कि सॉल्ट कितना है, नमक अगर कम या ज़्यादा हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको मज़ीद कुछ 5 to 6 मिनट्स हम पकने देंगे, उसके बाद इसको दम लगाना है। अब ये परफेक्ट टाइम है, इसको हम दम पे लगाएंगे। ये देखिए ये 80% एक्चुअली राइस कुक हो चुके हैं और इसमें बबलिंग शुरू हो गई है, पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। दम लगाने के लिए पहले मैं दस्तरखान रखूँगी और ये हम खुश दस्तरखान से लगा रहे हैं दम, और इसको हम छोड़ देंगे अब गुड 8 मिनट्स के लिए, फिर हम चेक करते हैं। दम बिल्कुल लो फ्लेम पर देना है, क्योंकि अगर आपकी ज़रा सी भी फ्लेम हाई होगा या मीडियम होगा तो जो राइस है नीचे से बर्न हो जाएंगे और कुक नहीं होंगे। तो ये ज़रूर जहन में रखिएगा, आपका फ्लेम लो होना चाहिए। अब 5 to 6 मिनट्स हो चुके हैं, अब अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे और दम चेक करेंगे राइस की क्या सिचुएशन है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे राइस कुक हुए हैं, ये देखिए। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे और सर्व करेंगे। मटन पुलाव इज़ रेडी टू सर्व। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड प्लीज़ लेट मी नो हाउ इट टर्न आउट टू बी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मी थम्स अप एंड शेयर माई रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।